Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go. That your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's. And never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine. Or you'll get left right behind. In this language game we're about to play. And if you say work, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch. When we get down to play some word match. For your attempts will unravel. They'll come loose. And you won't be able to win. You just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch. When we get down to play some word match. When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. ये शब्द दुनिया के सबसे मशहूर काल्पनिक किरदारों में से एक शर्लॉक होम्स ने कहे थे. I am KC Shankar and this is Word Match. इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां पर 81 स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया will be participating for the title of Word Match Wordsmiths and the prestigious Word Match Trophy. Sir Arthur Conan Doyle ki likhe hue Sherlock Holmes ki kahaniyan kitabon, rangmanch aur cinema mein kai baar dohrai ja chuki hai. In fact, Guinness Book of World Records ke mutabik in pe 211 filmein bani hain aur is kirdaar ki bhumika 75 abhineta nibha chuke hain. और शर्लॉक की कहानियों से प्रेरणा लेने की लिस्ट में आज का हमारा एपिसोड भी जुड़ गया है. आज हमारे साथ 6 यंग डिटेक्टिव्स हैं जो अंग्रेजी भाषा में छुपे रहस्यों को खोज निकालने की कोशिश करेंगे. तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के कंटेस्टेंट से. हमारा पहला स्कूल है SBOA स्कूल एंड जूनियर कॉलेज चेन्नई. Welcome to Word Match. क्या नाम है आपका? आदित्य. आदित्य. And your name is? अश्विति. अश्विति. एक काम करते हैं, अभी हमारी बाकी टीम्स को बुलाते हैं. Are you excited to meet them? आइए बुलाते हैं हमारी दूसरी टीम को एडमिस इंटरनेशनल कोलकाता से. Word Match पे आप दोनों का स्वागत है. Thank you. Please अपने बारे में बताइए, अपने नाम से शुरू कीजिए. मेरा नाम है मयूख टिकादर. आई एम वैशाली दत्ता. वैशाली. या. व्हाई डोंट वी कॉल आवर नेक्स्ट टीम. लेट्स वेलकम आवर लास्ट टीम कामल पब्लिक स्कूल रायपुर. वर्ड मैच पे आप दोनों का स्वागत है. क्या अच्छा लगता है आपको लाइफ में? गार्डनिंग. गार्डनिंग पसंद है आपको? क्या सीखा है आपने गार्डनिंग करके? लुकिंग केयर ऑफ देम. अच्छा लगता है? यस. और आप? बुक रीडिंग. बुक रीडिंग किस तरह की किताबें? हॉरर बुक्स. हॉरर बुक्स. मैं तो डर गया हूँ. बाकी कंटेस्टेंट्स डरे या नहीं ये मुझे पता नहीं. तो गेम शुरू करें हमारा. चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा गेम जिसका नाम है वर्ड मैच. खोई हुई चीज़ों को ढूंढ निकालना तो शर्लॉक होम्स की विशेषता थी. हमारे पहले गेम में भी कुछ खोया नहीं है, बस कुछ शब्द लॉस्ट इन ट्रांसलेशन है. हमने शर्लॉक की कहानी से 10 इंग्लिश के वर्ड लिए थे और उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करवाया, लेकिन अब वो हमसे खो गए हैं और आपको अपना डिटेक्टिव स्किल्स यूज़ करके उसे ढूंढ के निकालने हैं. यानी कि आपको हमारे हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने हैं. ये एक बजर राउंड है. हर सही जवाब के लिए आपकी टीम को मिलेंगे 30 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके कट जाएंगे 10 पॉइंट्स. तो आइए हमारा पहला गेम शुरू करते हैं जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. यार आप लोग शुरू करें अपना पहला गेम. योर फर्स्ट हिंदी वर्ड इज ग्वाला. बोलिए. मिल्कमैन. आपने कहा मिल्कमैन. दैट्स माइनस 10 पॉइंट्स टू यू. द करेक्ट आंसर इज आइदर अ कैटल मैन और इवन अ काउबॉय. आगे बढ़ते हैं. आपका दूसरा हिंदी शब्द है 30 पॉइंट के लिए कोयला.
Carmel Public School, Raipur. Kohl. और Kohl सही जवाब है for 30 points. Well played. हमारा तीसरा हिंदी शब्द है भवन. House. House is the correct translation for 30 points. Well played. अकाल. Carmel Public School, Raipur. क्या लगता है आपको? Famine. आपने कहा famine is correct for 30 points. Well played. हमारा अगला वर्ड है मृग. Animus International. Deer. And that is the correct answer for 30 points. रेत. Carmel Public School, Raipur. Sand. And sand is the correct translation for रेत. 30 points. Farsh. F-P-O-H, Chennai. Floor. Floor, that is the correct answer for 30 points. Well played. तीनों टीम्स ने अपना अकाउंट खोल लिया है. They're all playing well. आपका अगला हिंदी शब्द है कुंजी. ये कुंजी इस जवाब का डैश खोल सकती है. इसका जवाब है की. कुंजी यानी की. किसी ने जवाब नहीं दिया है. ना 30 पॉइंट्स ना माइनस 10. बढ़ते हैं हमारे अगले हिंदी शब्द की तरफ. मुक्ति. फ्रीडम. That is correct for 30 points. Well played. हमारा आखिरी हिंदी वर्ड शिष्य. SBOH Chennai. क्या है आपका जवाब? Student. आपने कहा student and student is the correct answer for 30 points. Very well played. And that brings us to the end of our first game, जिसका नाम था Lost in Translation. तो आइए देखते हैं इस पहले गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं और किसने कितने गवाए हैं. SBOH Chennai. आपने कमाए हैं 60 पॉइंट्स. वेल प्लेड. एडमिस इंटरनेशनल कोलकाता. आपने दिए 3 सही जवाब लेकिन एक गलत जवाब की वजह से आपका स्कोर पहुंच गया है 80 पॉइंट्स. वेल प्लेड. एंड कामल पब्लिक स्कूल. 3 सही जवाब आपने कमाए हैं 90 पॉइंट. वेल प्लेड. द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस शर्लॉक की वो कहानी है जो आपके सिलेबस में भी है और उनकी सभी कहानियों की तरह इसमें भी डॉक्टर वॉटसन शर्लॉक के साथ रहते हैं और हर बार की तरह यह कहानी भी सर आर्थर कॉनन डॉयल ने डॉक्टर वॉटसन की दृष्टिकोण से लिखी है और जैसा तालमेल शर्लॉक और उनके साथी डॉक्टर वॉटसन बनाए रखते हैं वैसा ही तालमेल आप दोनों को बनाना है. अब शुरू होने वाला है वर्ड मैच का दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम. इस गेम में हर टीम को मैं 80 सेकंड दूंगा. उस 80 सेकंड के अंदर मैं आपको 3 सेंटेंसेस दूंगा. ये तीनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट है, इनका ग्रामर बिगड़ा हुआ है और आपको इन्हें सुधारना है. पहले सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको एक सही वर्ड डाल के उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल सेंस बनाना है. द सेकेंड सेंटेंस इज अ जम्बल्ड अप सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन टू यू. यू हैव टू रीअरेंज देम और आपको एक सही सेंटेंस बनाना है. तीसरा सेंटेंस एकदम ही इनकरेक्ट है, आपको उसका सही ग्रामर यूज करके उस सेंटेंस का मतलब सुधारना है. हर सही सेंटेंस के लिए आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स. तैयार है आप तीनों? तो आइए शुरू करते हैं हमारा दूसरा गेम जिसका नाम है द ग्रामर गेम. तो शुरू करते हैं चेन्नई SBOA से. योर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इज होम्स डैश एन एब्सेंट माइंडेड मैन फुल स्टॉप. ही वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर डैश वुड फॉरगेट डैश डू सिंपल डेली चोर्स. होम्स इज एन एब्सेंट माइंडेड मैन. ही वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर एंड वुड फॉरगेट टू डू सिंपल डेली चोर्स. दैट इज इनकरेक्ट. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज होम्स इम्पेशेंटली वेटिंग वॉज मैन फॉर ए. 30 सेकंड बाकी है आपके. Holmes was a man waiting impatiently. That is correct for 30 points. Well played. Your last sentence. Both of the father and child dead of yellow fever. Both of the father and child died of the yellow fever. And that is incorrect. I'll correct the sentence for you. Your last sentence would have been both the father and the child died of yellow fever.
And in your first sentence, they would have been, Holmes was an absent-minded man. He was extremely clever, but would forget to do simple chores. Ek hi sahi answer hua aapka, 30 points kamaya aapne. Now the action shifts to Carmel Public School, Raipur. You fill in the blank sentence is, Holmes's initial evaluation, dash, the situation was incorrect, and dash, he learned the truth, he dash, surprised. You have 50 seconds left. You can move to the next sentence if you want. Next sentence. Your next sentence is, was pipe the off value great the man too? So you have 30 seconds left. The pipe was of the great value to the man. That is incorrect. Your next sentence is, the woman had been keeping her child a secret because she was worrying that she wouldn't be accepting by Jack. And your time is up. Unfortunately, aap ek bhi sahi jawab nahi de paaye. Koi baat nahi. Abhi bhi do round baki hai. Hai ki nahi? Yes. We've got one team left, Adamus International Kolkata. Your first fill in the blank sentence is, it was evident, dash Watson, that she was lying. The question, however, dash why she felt the need, dash. You can move on to the next or you can try this. It was evident to Watson that she was lying. The question, however, was why she felt the need to. And that is correct for 30 points. Well played. Your next question is, before had wife with estranged his he. He had become estranged with his wife. He had become estranged with his wife. And that is correct for 30 points. Your last sentence is, the livid yellow face was watched them as they passing by. The livid yellow face watched them as they passed by. And that is correct for 30 points. Very well played. All right. सभी टीमों ने अपना अपना पूरा जोर लगाकर ग्रामर को बचाने की कोशिश की. चलिए देखते हैं इस कोशिश में कौन कितना कामयाब हुआ है. शुरुआत करते हैं SBOA चेन्नई से. आपने एक सही सेंटेंस बनाया, आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स. वेल प्लेड. कम पब्लिक स्कूल रायपुर, आपको मिले हैं 0 पॉइंट्स. कोई बात नहीं. एडमिस इंटरनेशनल कोलकाता, वेरी वेल प्लेड, आपने कमाए हैं 90 पॉइंट्स. लेकिन तीनों टीम्स के टोटल स्कोर्स के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच. वेलकम बैक टू वर्ड मैच, जहां आज हमारे साथ इंग्लिश की पहेलियां सुलझा रहे हैं हमारी तीन टीम्स, SBOA चेन्नई, एडमिस इंटरनेशनल कोलकाता और कार्बन पब्लिक स्कूल रायपुर. दो गेम्स खत्म हो चुके हैं और अब वक्त आ गया है अब तक के टोटल स्कोर्स देखने का. तो आइए शुरू करते हैं हमारे नंबर टू टीम से. नंबर थ्री नहीं, क्योंकि आज दो टीम्स नंबर टू पे है. कार्बन पब्लिक स्कूल रायपुर, SBOA चेन्नई, यू आर बोथ एट 90 पॉइंट्स. वेरी वेल प्लेड. और पिछले गेम में लीड ले ली है एडमस इंटरनेशनल कोलकाता ने विद 170 पॉइंट्स. चलिए आगे के गेम्स खेले. खेल हो रहा है रोमांचक और इस अगले गेम में आपको पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के शर्लॉक को जगाना होगा. गेम शुरू करें. इस गेम का नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड. इस गेम में हमने एक राइट वर्ड है जो आपसे छिपा रखा है, लेकिन आपको उसे ढूंढ के निकालना है. उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा और साथ साथ आपको कुछ क्लूज दूंगा. हर 10 सेकंड बाद एक क्लू आपको मिलेगा और उस 10 सेकंड में आपको जो जो वर्ड्स, जो जो कनेक्शंस आपको बनते हैं उस क्लू से, वो आपको मुझे बताने हैं.
अगर वो हमारा राइट वर्ड निकला तो आप कमाएंगे 100 पॉइंट्स अगर आपने पहले क्लू के बाद गेस किया। अगर दूसरे क्लू की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स और अगर तीसरे क्लू की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे सिर्फ 50 पॉइंट्स। रूल्स क्लियर है आप सबके लिए? यस। तो शुरू करते हैं हमारा तीसरा गेम, व्हाट्स द राइट वर्ड। तो हम अपना तीसरा गेम शुरू करेंगे एडमिस इंटरनेशनल से। योर फर्स्ट क्लू इज हाइपोडर्मिक। कोल्ड। कोल्ड। गोल्ड। कीप गेसिंग अवे। There's no negative points at all. Your next clue is antigen. Wrong. Antigen. A-N-T-I-G-E-N. Antibodies. Infection. Keep guessing. You're close. Virus. You're very close. Your next clue is serum. S-E-R-U-M. Snake. Medicine. Snake. Very close. And your Viper. Time is up. Aur inka final jo right word tha wo vaccine. Ye tino jude hue ek dusre se. चलिए हमारे दूसरी टीम की तरफ चलते हैं जो है चेन्नई से। योर फर्स्ट क्लू इज रेप्टाइल। स्नेक। दैट वाज ब्रिलियंट, दैट वाज फैंटास्टिक, बहुत अच्छा खेले आप। द फर्स्ट क्लू दैट आई गेव यू वाज रेप्टाइल एंड यू सेड स्नेक, दैट वाज आवर राइट वर्ड। वेरी वेरी वेल प्लेड, 100 पॉइंट्स टू यू। आप कैसा खेलने वाले अपना गेम? चलिए आपका पहला क्लू है डियर, D-E-A-R, फ्रेंड। डियर फ्रेंड होता है, और कहां यूज होता है डियर? डियर कहां यूज होता है? और सेकंड है आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट का कनेक्शन हमारे सीक्रेट वर्ड से है या हमारे राइट वर्ड से है? डियर का कनेक्शन हमारे राइट वर्ड से है। योर नेक्स्ट क्लू इज मेल, M-A-I-L, लेटर। और आपने कहा लेटर, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड, 50 पॉइंट्स, नॉट बैड एट ऑल, बहुत अच्छा खेले। तो इसी तरह खत्म होता है हमारा मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ तीसरा गेम, व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं हमारे इस तीसरे गेम के स्कोर्स किस प्रकार है। शुरुआत करते हैं एडमिस इंटरनेशनल कोलकाता से। So you've got 0 points in this particular game. Well tried. और हम चलते हैं हमारी दूसरी टीम की तरफ, हमारी रायपुर की टीम, कामल पब्लिक स्कूल। 50 पॉइंट्स कमाए आपने, बहुत अच्छा खेले आप। एंड आपने तो मुझे चौंका दिया है, आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। हमारी तीनों टीम्स ने राइट वर्ड गेस करने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा गेस करें। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और गेस करिए कि टोटल स्कोर्स क्या है अभी तक। सी यू आफ्टर द ब्रेक, ओनली ऑन द शो जिसका नाम है वर्ड मैच। वर्ड मैच के इस एपिसोड में आपका फिर स्वागत है, जिस शो में हम खेल खेल में अंग्रेजी सीखते हैं और सिखाते भी हैं। आइए देखते हैं तीन गेम्स के बाद आपके टोटल स्कोर्स क्या है। रायपुर कामल पब्लिक स्कूल, यू आर एट थर्ड पोजीशन विद 140 पॉइंट्स। वेल प्लेड। एडमिस इंटरनेशनल, आप पहुंच चुके हैं सेकेंड पोजिशन पे और आपका स्कोर है 170 पॉइंट्स। एंड SBOA चेन्नई, छोटी सी लीड ली है आपने SBOA चेन्नई, आपका स्कोर है 190 पॉइंट्स। शर्लक होम्स के कहे गए वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा मशहूर है एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन, जिसमें वो अपने सहयोगी डॉक्टर वॉटसन से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक रास की बात बता दूं, अगर आप आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी हुई हर शर्लॉक होम्स कहानी के एक एक पन्ने की जांच भी करेंगे तो भी आप ये वाक्य कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। क्या है इसका कारण? नहीं पता, चलिए मैं ही आपको बता देता हूं, क्योंकि ये उन्होंने कभी कहा ही नहीं था। नहीं विश्वास होता तो खुद ही ढूंढने की कोशिश कर लेना। उनकी कहानियों में अक्सर
शर्लॉक होम्स अंत से पहले अपने दिमाग की शक्ति से केस सुलझा लेते हैं। लेकिन द एडवेंचर ऑफ द येलो फेस में डॉक्टर वॉटसन हमें बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शर्लॉक खुद जवाब नहीं निकाल पाते और फिर भी उनके केस में शामिल होने से जवाब अपने आप निकल जाते हैं। और इस कहानी के अंत में भी ऐसा ही कुछ होता है, यानी अब एक गेम बाकी है। इस राउंड का नाम स्पेलथॉन है। इसमें हमने आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों से 10 अंग्रेजी के शब्द लिए हैं और आपको हमें उन्हें करेक्टली स्पेल करके बताना है। हर करेक्ट स्पेलिंग के लिए टीम को मिलेंगे 20 पॉइंट्स, हर गलत स्पेलिंग के लिए आप खोएंगे 10 पॉइंट्स। खेले हमारा आखिरी गेम विच इज कॉल्ड स्पेलथॉन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंग्लिश वर्ड और ये है इनकॉग्निटो। एडमिस इंटरनेशनल ने बसर दबाया है। I-N-C-O-G-N-I-T-O आपने कहा, and that is the correct answer for 20 points. Well played. आइए चलते हैं हमारे दूसरे इंग्लिश वर्ड की तरफ जो है मेरिमेंट। M-E-R-R-I-M-E-N-T is the correct spelling for merriment for 20 points. Well placed. Your next word is illuminated. S-P-O-A. I-L-L-U-M-I-N-A-T-E-D. And that is the correct spelling for illuminated for 20 points. Well played. Kamil Public School, Raipur, this is your time. Buzzer dabaiye, jawab dijiye. Surmise. S-U-R-M-I-S-E. It is the correct answer for 20 points. Well played. Your next word is provisional. Adamus International, Kolkata. P-R-O-V-I-S-I-O-N-A-L. What do you think, S-D-O-A, Chennai? Provisional ki correct spelling hai ye? Huh? Chaliye, aapne kaha aur humne de diye. 20 points to you. Well played. Your next English word is knighthood. Kamil Public School, Raipur. N-I-G-H-T-H-O-O-D. That is the wrong answer, Kamil Public School. The correct spelling for knighthood is K-N-I-G-H-T-H-O-O-D. Knighthood. Hands next to your buzzers, please. Judicious. Adamus International, Kolkata. J-U-D-I-C-I-O-U-S. That is the correct answer for 20 points. Well played. Your next English word to be spelled correctly is concurrence. Kamil Public School, Raipur. C-O-N-Q-U-R-E-N-C-E. Q. That is incorrect. Minus 10 points, Kamil Public School, Raipur. The correct spelling for concurrence is C-O-N-C-U-R-R-E-N-C-E. Hamara agla English word hai apparition. Adamus International, Kolkata has pressed the buzzer yet again. A-P-P-A-R-I-T-I-O-N. A-P-P-A-R-I-T-I-O-N is the correct spelling for apparition. You win 20 points. Well played. And your last word is squirrel. S-B-O-A, Chennai. S-Q-U-I-R-R-E-L. That is the correct spelling for 20 points. Well played. And that brings us to the end of this exciting game, jiska naam tha Spellathon. To aaiye dekhte hain is game mein kisne kitne points kamaye aur final position bhi kiski kitni hai. Shuru karenge hum Kamil Public School Raipur se. Ye game aapke liye utna acha nahi raha. Minus 20 points. SBOA Chennai, aapne kamaye is game mein 40 points with 2 correct answers. Adamus International Kolkata, इस गेम में 6 करेक्ट आंसर्स के साथ आपने कमाए हैं 120 पॉइंट्स। वेल प्लेड। आज के हमारे एपिसोड की पहेली ये है कि इन तीनों टीम्स में से कौन सी टीम हमारे क्वार्टर फाइनल में जाने वाली है। लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमें किसी शर्लॉक की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जवाब मैं ही दे सकता हूं। तीसरी पोजिशन पे कामल पब्लिक स्कूल रायपुर विथ 120 पॉइंट्स। वेल प्लेड। एंड टफ मैच, आखिरी गेम ने सब कुछ बदल दिया है। SPOA Chennai एट सेकेंड पोजिशन विद 230 पॉइंट्स। एंड द विनर्स ऑफ दिस एपिसोड ऑफ वर्ड मैच, Adamus International Kolkata विद 290 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड।
और आप दोनों जा रहे हैं वर्ल्ड मैच के क्वार्टर फाइनल्स में। वैसे आपकी और मेरी जुदाई तो सिर्फ कुछ ही समय की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल ने शर्लॉक होम्स को अपने फैन से सालों के लिए जुदा कर दिया था। उन्होंने एक कहानी लिखी थी द फाइनल प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने शर्लॉक के पात्र को मार दिया था, लेकिन फैंस के प्रेशर की वजह से 9 साल बाद उन्हें शर्लॉक को वापस लाना पड़ा और फिर उन्होंने कई सालों तक उनकी कहानियां लिखी। तो मैं आशा करता हूं कि आज के एपिसोड ने आपका मनोरंजन के साथ साथ आपको शर्लॉक होम्स की कहानियां पढ़ने के लिए इंस्पायर भी किया होगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं, लेकिन अगर आप अपने सवाल और फीडबैक भेजना चाहे तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर। Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए। Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up lose with lose. Which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down.